जी बार बार खड़ा हो जाता है जी, क्या करूं? रस्सी से बांध लो, हाथों का सही इस्तेमाल करना सीखो, या फिर एक काम और कर सकते हो, या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पटाओ, उसको भी मजे दो, खुद भी मजे लो, कल्याण होगा दोनों का। समझ ही गए होंगे मजाक कर रही हूँ, लेकिन अब चलो सीरियसली इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सीरियसली बात तो जरूर करूंगी, लेकिन ये कोई सीरियस टॉपिक नहीं है, क्योंकि बार बार खड़ा होना ये अक्सर यौन अवस्था में तो स्वाभाविक है, क्योंकि पीनस में बढ़ती हुई उत्तेजना और उस उत्तेजना से होने वाला इरेक्शन ये स्वाभाविक है। यौन अवस्था के लड़कों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स का लेवल, उसका फ्लो बढ़ा हुआ होता है, एक्टिव रहता है, जिसके वजह से जो इरेक्शन है वो जल्दी जल्दी आता है। आप मॉर्निंग वुड भी उसमें ज्यादा देखने को मिलता है कि हाँ सुबह सुबह तो आप सलामी देती है। कहीं ना कहीं ये जो इरेक्शन होता है, एक तरह का सिग्नल भी होता है कि आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपके जो जेनिटल है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, वर्किंग है। तो इसमें कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये कंप्लीटली नेचुरल है। अननेचुरल ये तब हो जाता है जब आपका यौन व्यवहार ठीक नहीं रहता, मतलब आपके दिमाग में 24 घंटे बस सेक्सुअल फैंटेसीज और सेक्सुअल ख्याल, थॉट्स, विचार, ये सब कुछ चलते हैं। मैगजीन को देखते हो, कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करते हो और उसी में घुसे चले जाते हो, खुद से अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हो, पोर्न के एडिक्टेड हुए पड़े हो, कोई काम धंधे में दिल ही नहीं लगा रहे हो, कहीं और डाइवर्ट ही करने की कोशिश नहीं कर रहे खुद को, किसी और काम में बिजी ही नहीं रखते, फिर तो जो आप अपने दिमाग को सिग्नल दोगे, जो मैसेज उसको पहुंचाओगे, वही तो आपकी बॉडी को वो मैसेज देगा। जितनी बार उसे सिग्नल दोगे, उतनी बार वो आपका खड़ा होगा नीचे, क्योंकि दोनों में कनेक्शन है ना, बॉडी और दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन है। जो आपके दिमाग में चलेगा, आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप खुद अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हो, अपने दिमाग को वो खाद पानी दे रहे हो, यहां इरेक्शन हो रहा है तो वहां तो इरेक्शन होगा ही होगा। तो इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप खुद इन चीजों को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम नहीं है कि यार मेरा खड़ा ही नहीं हो रहा, या मेरे इसमें तनाव ही नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो आता जाता आ रहा है, तो आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो। ये तो चीजें आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, आपको बस अपने माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत है, अपने फोकस को दूसरी जगह पे लगाने की जरूरत है, अच्छे डाइट लेने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, अपने आप को बिजी रखने की जरूरत है बस। बाकी ऐसा तो है नहीं कि हाँ खड़ा हो रहा है तो आप हिलाते तक नहीं होंगे, इतनी तसल्ली तो आप अपने आप को देते ही होंगे ना, तो बस आगे जो है ना उसको लगाम लगाने की जरूरत है। जैसे आप अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को कंट्रोल करोगे, अपने दिमाग को कहीं और लगाओगे दूसरी डायरेक्शन में, अपने आप ही चीजें कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी, और आपका जो बार बार खड़ा हो रहा है ये कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, जो मैंने आपको चीजें बताई उन चीजों पर काम कीजिए, दैट्स इट।